भक्त शिरोमणि श्रीमद धन्ना पीठाधीश्वर श्री बजरंग देवाचार्य जी महाराज के पावन सानिध्य में श्रीमद धन्ना पीठ श्री रामधाम आश्रम तामड़िया में 3 दिवसीय धार्मिक समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें भक्तमाल की कथा, श्रीमद्भागवत कथा, हरिनाम संकीर्तन, भागवत महायज्ञ एवं संत समागम का विशेष समारोह आयोजित हुआ। इस धार्मिक समारोह में देश प्रदेश के हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। साथ ही भक्तमाल की कथा में उत्तर भारत में राम भक्ति की धारा प्रवाहित करने वाले सदगुरु श्री रामानंद जी महाराज के 12 शिष्यों की कथा और उसके साथ विशेष रूप से भक्त श्रोमणि श्री धन्ना जी की कथा का श्रवण कराया गया। इस अवसर पर आयोजित महायज्ञ में आने वाले श्रद्धालुओं ने भी आहूतियाँ दी एवं यजमानों ने सप्तनीक आहूति देकर पुण्य कमाया। साथ ही साथ संत समागम और विशेष सम्मान समारोह श्रीमद धन्ना पीठाधीश्वर जगतगुरु स्वामी श्री बजरंग देवाचार्य जी महाराज के साथ देश प्रदेश के कई संत जन पधारे और उन्होंने अपने प्रवचनों से सत्य पथ पर चलने का संकल्प दिलाया। इस अवसर पर सूरजगढ़ विधायक श्रवण चौधरी, पुलिस के आईजी महेंद्र सिंह चौधरी, विद्युत विभाग के एसई बीएल जाट, खाद्य विभाग के निरीक्षक शिवजीलाल जाट समेत गणमान्य जन मौजूद रहे। समारोह में लीलन घोड़ी डांस के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार बनवारी लाल जाट ने लीलन श्रृंगारे पर शानदार नृत्य कर आगंतुक अतिथियों का अभिनंदन किया। समारोह का समुचित रूप से कवरेज जेवीपी मीडिया ग्रुप के एंकर संपादक हरिराम किवाड़ा और उनकी टीम ने किया। आइए आपको दिखाते हैं श्रीमद धन्ना पीठ पर आयोजित समारोह की विशेष झलकियाँ। Thank you.
प्यारा दिन को आज मंगलमय दिन को मां को प्रणाम स्वीकार कर लियो जी ज्ञान समंदेलो मेवो देकर विपदा सारी हर लियो री मां विपदा सारी हर लियो री तेजा की पतरंगी साफारो अस्वार
धन्ना जी का दरबार के माई आओ गावा मंगला चार। आइए आज राम धाम तपोभूमि के इस पावन दरबार में श्रीमद धन्ना पीठाधीश्वर जगत गुरु स्वामी श्री बजरंग देवाचार्य जी महाराज के पावन सानिध्य में हमारे सभी सम्माननीय अतिथि आ रहे हैं। एक बार खड़े होकर बोलो साचे दरबार की, बोले भक्त रमणि धन्ना जी महाराज की, बोलो सालग्राम जी महाराज की। बहुत बहुत स्वागत, महाराज श्री पधारे। भाव लेकर धन्ना जी के दरबार में पधारे हैं आदरणीय कान सिंह जी राठौड़ साहब, स्वर्ण कुमार जी साहब एमएलए साहब पधारी वड़ा, और हार्दिक स्वागत अभिनंदन। माननीय महेंद्र सिंह साहब आईजी साहब, माननीय बीएल झा साहब एससी साहब, अन्य पधारी वड़ा संत और निर्मल भाव पधारी वड़ा आड़ पाड़ा सब ग्रामीण रो हार्दिक स्वागत और अभिनंदन, भक्तों रो स्वागत। आज रो दिन बहुत ही पवित्र दिन है कि आज आप धन्ना भगत महाराज रे इन पवित्र स्थल माते हैंग इकट्ठा विया। हाथ आठ दिन पहली बाप जी रो फरमावनो विवाह कटे, 4 तारीख ने मोटो जलसो है और जल्दी अटे इन जको बाप जी री हार्दिक इच्छा है उन्हीं पूर्ति करण वास्ते जको जको आप हुक्म दे रिया है उन माते अमल करण वास्ते मैं निश्चित रूप हूँ कटिबद्ध हूँ, इन कर्तव्य पूर्वक इन्हें निर्वाह कर रहा हूँ। जय धन्ना महाराज। संतों के पावन मंच पर उद्बोधन के लिए आदरणीय विधायक महोदय श्रीमान श्रवण जी चौधरी साहब। समस्त हमारे संत महात्माओं को प्रणाम करता हुआ, सभी बुजुर्गों को प्रणाम करता हुआ, माता और बहनों को प्रणाम करता हुआ, दोस्तों को हाथ मिलाता हुआ, सबको मैं सिर झुकाता हुआ मैं नमन करता हूँ। आज इस पावन पवित्र स्थल पे मुझे भी मालूम हुआ कि महेंद्र सिंह जी उस धाम पे जाते हैं, तो मुझे मालूम था महेंद्र सिंह जी जब आई जी साहब जाते हैं तो जरूर वहाँ कोई करामात की बात है, क्योंकि हमारे रामगढ़ धाम पे भी गुरु जी जाते थे, हम भी वहीं जाता था। तो मैं समझता हूँ कि इस धाम की पवित्रता अखंडता सत्यता को सब लोग पहचानते हो, आप जानते भी हो, इर्द गिर्द के सभी लोग आप यहाँ पर बताते हो। रामेश्वर दास जी महाराज तो अपने आप में एक साक्षात भगवान है, उनके लिए तो मुझे कहने की जरूरत नहीं है। मैं तो आप इस जनता को एक बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस पवित्र भूमि पे सभी संतों का पधारना हुआ, पावन भूमि पे इस अखंड प्रोग्राम में, और हमें भी सौभाग्य मिला बाबा जी के दर्शन करने का और आप लोगों के दर्शन प्राप्त करने का। एक दिन बड़ा धाम पवित्र धाम बहुत बढ़ेगा। हमारे बजरंगदास जी महाराज साधु हैं, इनके चरणों में पुनः सिर झुकाता हुआ मैं मेरे शब्दों को विराम देता हूं। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। निवेदन करूंगा इस अवसर पर हमारे नाथुराम जी महाराज दूदू से जो पधारे वो भी एक मिनट इस शुभ अवसर पर एक बात रखेंगे। नाथुराम जी महाराज बोले सतगुरु दयाल की जय, धन्ना भगत जी महाराज की जय।
परम आदरणीय प्रातः स्मरणीय परम पूज्य पतितों को पावन बनाने वाले मेरे जीवन मुक्त दाता श्री सतगुरु के चरणों में कोटि कोटि नमन। इस संसार के अंदर साधु का बहुत महत्व है, गुरु का बहुत महत्व है, जो तीनों लोकों के अंदर परम आदरणीय और श्रद्धा के साथ लिया जाता है। धन्ना भगत जी ने जो भक्ति का अद्भुत परिचय दिया संसार को और सारे विश्व को ये दिखा दिया कि परचे बिन प्रतीत नहीं, गुरु बिन नहीं ज्ञान, नाव चले नहीं नीर बना। कवि धनेश जी बड़ी भूमिका निभा रहे हैं, आइए सुनते हैं उनसे गुरु वंदना और धन्ना जी की प्यारी चाल। श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ, मंचासीन सभी प्रबुद्ध जनों को नमस्कार करता हूँ। मैं माननीय हरिराम जी के जेबीपी मीडिया ग्रुप का एक छोटा सा कार्य करता हूँ और इसके लिए कार्य करता हूँ, इसलिए अपने जेबीपी मीडिया ग्रुप की तरफ से श्री गुरु महाराज जी के श्री चरणों में चार पंक्ति समर्पित करता हूँ। धन्ना भगत तेरी जय जय जय, धन्ना भगत तेरी जय जय जय, संत शिरोमणि परमेश्वर श्रद्धा, संत शिरोमणि परमेश्वर श्रद्धा, धन्ना भगत तेरी जय जय जय। आदर और सत्कार के साथ में मैं आमंत्रित करूंगा सम्मानीय बीएल जाट साहब को, आपकी कर्तव्य प्रणता को सलाम करते हुए कि आप उद्बोधित करें। आदरणीय बीएल जाट साहब बोलो धन्ना भगत की जय हो, नारायण दास महाराज की, परम आदरणीय बजरंग दास महाराज विराजमान संतजन, आदरणीय महेंद्र जी चौधरी साहब जो हमारे समधी भी हैं, कहा जयपुर जिले के जाट और कहा बाड़मेर के, ये शिक्षा की देन है, कम्युनिकेशन का देन है। ये तो पहले क्या है कि जाड़ों में ही आपस में रिश्ते होते थे। भाई हरिराम जी किवाड़ा, शिवजी राम जी जाट साहब मीडिया से पधारे हुए मेरे साथी, देवियों सज्जनों भाइयों बहनों, ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य का दिन है कि महाराज ने डोर खींची, मैं यहाँ आया, मैं अपने आप को धन्य महसूस करता हूँ। महेंद्र जी ने पिछले साल भी एक काम उठाया था, मेरा कई दिनों से मन था धन्ना भगत की जन्मस्थली चोरू, तपस्या स्थली धुआं और पीठ तांबड़िया। संत जनों के श्री चरणों में मेरी वंदना करते हुए वाणी को विराम दूंगा और यही आशा करूंगा कि आप हम सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान, बहुत बहुत आभार। मार्गदर्शन प्रदान करते रहते हैं हमारी पुलिस के आईजी सम्माननीय महेंद्र सिंह जी चौधरी साहब से कि वो सभी आए हुए आगंतुकों का आभार व्यक्त करें। परम आदरणीय नयनदास जी महाराज के परम शिष्य और धन्ना पीठाधीश्वर श्री बजरंग देवाचार्य जी महाराज के चरणों में वंदन करते हुए मैं आप सभी आज जो पधारे मंच पर हैं, विराजमान हैं, सामने विराजमान हैं, कुछ देर पहले मंच पर विराजमान थे, जो संत महात्मा आज पधारे और हमको आशीर्वाद दिया, उन सबका मैं हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं और आह्वान करता हूं। और ये जो तीन दिवसीय कार्यक्रम चला है महाराज के आशीर्वाद से, उसमें एक तरफ पंचकुंडीय महायज्ञ चल रहा था, एक तरफ भगवत कथा चल रही है और एक तरफ गत रात्रि में 12 घंटे लगातार भजन भाव भजन कीर्तन हुए, तो इस पवन धरती पर इस तरह से जो जबरदस्त धर्म का प्रवाह चला है, हम सब उससे लाभान्वित हुए हैं। और मैं अब आप सबका जो इस क्षेत्र के विशेष रूप से निवासी है उनको जो
धन्ना पीठाधीश्वर ट्रस्ट ने संकल्प लिया है कि यहाँ पर इस क्षेत्र में गांव के गरीब किसानों के बच्चों के लिए एक शिक्षण संस्थान की स्थापना की जाए, एक शिक्षण संस्थान को इस तरह से किया जाए कि गांव के गरीब बच्चे वहाँ उच्च स्तर की शिक्षा हासिल कर सकें। उसमें आप सबके सहयोग की जरूरत रहेगी, आप सबके मार्गदर्शन की जरूरत रहेगी। इसका जो प्रारंभिक चरण है उसके लिए जो भूमि की तलाश का, उपयुक्त भूमि की तलाश का वो काम चल रहा है। मुझे आशा और बल्कि पूर्ण विश्वास है कि हम शीघ्र ही इसमें समर्थ होंगे कि पीठ के मुख्यालय के इर्द गिर्द निकटवर्ती क्षेत्र में ही कोई ऐसा उपयुक्त भूखंड मिले जहां पर हम अपने शिक्षण संस्थान की स्थापना कर पाए। जैसे ही ये प्रथम चरण का काम पूरा होगा उसका द्वितीय चरण है संस्थान की स्थापना, और उसके लिए तो मैं सोचता हूं कि उसमें किसी प्रकार की कोई समस्या है ही नहीं। हम लोग सब इस गाँव के जो बूंद बूंद से घड़ा भरता है उस तरह से इस क्षेत्र के, इस राज्य के, इस जिले के, इस देश के निवासी समर्थ है कि हम इस एक विशाल शिक्षण संस्थान यहाँ खड़ा कर सकें। पहला चरण का पूरा होते ही हम द्वितीय चरण में आगे बढ़ेंगे, और मुझे उम्मीद है कि ट्रस्ट के पदाधिकारियों को महाराज के आशीर्वाद से पूरे क्षेत्र की जनता का, पूरे देश की जनता का, पूरे राज्य की जनता का और सरकार का पूरा समर्थन मिलेगा। और अगले वर्ष जब हम ये आयोजन करेंगे प्रोग्राम इस तरह का, उस वक्त तक हम ये कह सकेंगे कि अब तक हमने इस चरण में ये प्रगति कर ली। और 2018 में मुझे उम्मीद है कि ईश्वर के आशीर्वाद से हम इसमें सफल होंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, और महाराज के चरणों में पुणे में प्रणाम करता हूं, और सभी को आमंत्रित करता हूं मंच में विराजमान। जो एक बात और कहना चाहूंगा, बीएल जाट साहब आज बहुत कम बोले हैं, लेकिन ये ग्रामीण क्षेत्र के निवासियों को मार्गदर्शन करने के लिए, जब मैंने इनका काम देखा है तो जो काम करने वाले होते हैं वो काम का आगे पथ प्रदर्शन भी उतना ही कर सकते हैं। तो इनके मार्गदर्शन में, क्योंकि पहले ये कह रहे थे कि इनको इधर सेवा करने का मौका नहीं मिला, अब आपके क्षेत्र के ये प्रभारी है तो कृषि विकास के क्षेत्र में अपन इनका जो भी काम सहयोग लेना चाहे हर क्षेत्र में इनसे ले सकते हैं। किसी भी किसान को समस्या हो, बिजली की समस्या, दूसरी समस्या हो, इन तक जा सकता है। और मुझे पता है ये किसान का नाम आते ही भाव विवल हो जाते हैं और उसकी हर संभव मदद करने को तैयार रहते हैं। एक बार पुणे आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार, और पुणे महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। थैंक यू।